गड़खा प्रखंड क्षेत्र के पिरौना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मुखलाल महतो से हमने खास बातचीत की है। खास बातचीत में उन्होंने बताया है कि हमारी धर्मपत्नी पिरौना पंचायत की मुखिया चुनी गई है। इसके लिए पूरे पंचायत के सम्मान प्रबुद्ध जनता जनार्दन और साथ ही नौजवान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। या तो हर कोई चाहता है कि उनके क्षेत्र में विकास हो, लोगों को हर सुविधा का लाभ मिले, हर गरीब को उन सभी योजनाओं का लाभ मिले जिनके वो हकदार हैं, जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ यह बात कहना पड़ रहा है कि यह सिर्फ चाहत बनकर रह जाता है। मुखलाल महतो ने बताया, हमारा पंचायत छपरा नगर निगम में तब्दील हो गया, जबकि मेरे पंचायत क्षेत्र में 80% से भी अधिक कृषि से जुड़ा हुआ व्यवस्था है। लगभग 5,000 मनरेगा में काम करने वाले मजदूर तबके लोग हैं और इस पंचायत को नगर निगम में लेना कहीं से उचित नहीं है। लगातार यहाँ के जनमानस के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा। लगभग 5,000 आदमी ने हस्ताक्षर करके आपत्ति भी जताई। हम सभी लोग और मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते सरकार से और सरकार के सभी पदाधिकारी गण से हम सब आग्रह करेंगे कि हमारे पंचायत को नगर पंचायत में तब्दील ना किया जाए। इस मीडिया इंटरव्यू में पंचायत के कई सम्मानित जनप्रतिनिधि, उप मुखिया राज किशोर राय, वार्ड पार्षद वीरेंद्र महतो, सुमेंद्र सिंह, श्याम जीत शाह, बीडीसी लोकनाथ शाह, सिपाही राव भी मौजूद रहे। आज हम पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के गणखा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज है पिरौना, जहां से वर्तमान मुखिया के जो पति हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं। इनका शुभ नाम हुआ मुखलाल महतो जी। ये राष्ट्रीय जनता दल में जिला प्रधान सचिव भी हैं और लगातार सामाजिक स्तर पर ये बने रहते हैं, लोगों के बीच इनका भागीदारी रहता है। पूर्व में इनकी जो धर्मपत्नी है, जो वर्तमान में यहाँ मुखिया, वो जिला परिषद के भी पद पर सेवा दे चुकी हैं, वर्तमान में वह यहाँ के मुखिया हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि चूंकि छपरा जिला में 15 पंचायत को नगर निगम में तब्दील किया गया है, इनका क्या इस पर विचार होगा, यहाँ के लोगों का क्या विचार होगा, चूंकि यहाँ पर चुनाव हो चुका है और पुनः चुनाव के मोड में जाना कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए काफी समस्या भरा दिख रहा है। मुखिया जी, आपका क्षेत्र नगर निगम में तब्दील हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग नगर निगम में पूरे पंचायत के लोग नहीं जाना चाहते हैं। जी जी, क्योंकि अभी वर्तमान में पंचायत चुनाव हुआ जी, हम लोग चुनाव जीते हैं, मुखिया बने हैं और मेरे पंचायत में 90% लोग कृषि कार्य करते हैं जी जी, जबकि नगर निगम के गाइडलाइन है जी कि नगर निगम विस्तार क्षेत्र वही एरिया लिया जा सकता है जहां कृषि कार्य कम होता कम हो, जहां कृषि कार्य 20% के बराबर मात्र हो, लेकिन यहां पिरौना पंचायत में 90% कृषि कार्य होते हैं जी। यहां लोगों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना अंतर्गत करीब करीब 5,000 से ज्यादा लोगों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया मिलता है जी, जिसे लोग कृषि कार्य करते हैं और साथ में यहाँ मनरेगा के कार्य, यहाँ मनरेगा का कार्य करीब करीब यहाँ 6,000 लोग मनरेगा से लोगों को मजदूर है जिससे रोजी रोटी मिलता है जी जी। कहीं भी मायने में किसी भी नगर निगम के नियमानुसार पिरौना पंचायत नगर निगम में जाने लायक नहीं है। यहाँ से करीब करीब 5,000 से ऊपर लोगों को जिला पदाधिकारी के यहाँ आपत्ति आवेदन पर लिखकर दे दिया गया है जी जी, कि यह पंचायत को नगर निगम में नहीं लिया जाए, क्योंकि यहाँ कृषि क्षेत्र है, पूर्ण रूप से कृषि कार्य होता है, बाढ़ और बरसात के पानी में यह एरिया पूरा घिरा रहता है और पूरा चौड़ इलाका है। छपरा नगर निगम से पिरौना पंचायत के दूरी 13 किलोमीटर के लगभग है जी जी, जबकि प्रखंड मुख्यालय गड़खा से इस पंचायत का दूरी मात्र 7 किलोमीटर के हिसाब से है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, और तमाम खबरों को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, आदर्श भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।